हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर हॉल वीडियो। और आज के इस वीडियो में ना गाइस मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ना बेसिक जो ब्लैक टॉप्स होते हैं ना वो दिखाने वाली हूँ, येट दे आर वेरी स्टाइलिश और बहुत ही ज़्यादा ना स्टेबल पीसेज है फॉर योर वार्डरोब। और ये सारा ही जो कलेक्शन है ना गाइस आज सुपर 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 अफोर्डेबल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कलेक्शन है। सो जो टोटल नंबर ऑफ टॉप्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में दैट विल बी 9। और सारे जो टॉप्स हैं ना गाइस आर फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट, लाइक इसमें ना कुछ मीशो के टॉप्स हैं, कुछ मिंत्रा से हैं, कुछ H&M से हैं, कुछ आजियो से हैं। तो सारी चीजें ना अलग अलग वेबसाइट्स के हैं। सारी चीजों के जो लिंक्स हैं ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर गो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट, कमिंग अप टू द वेरी फर्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल। तो जो पहला टॉप है गाइस इज दिस एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ससाफरास और ये मैंने परचेज किया था मिंत्रा से। और ये ना काफी ज्यादा अफोर्डेबल था। आई सपोज कि इसका जो प्राइस था वो 210 रुपए था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगी ऑन द स्क्रीन, आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड दिस टॉप इज अ ऑन द गो, जो टॉप्स होते हैं ना दिस इज अ ऑन द गो टॉप। जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा होता ना गाइस तब मैं ये पहन रही होती हूँ। और इसको यूज करते करते ना अब तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लाइक आई सपोज कि ना 1.5 से 2 साल हो गए जब मैंने ये टॉप परचेज किया है और बहुत ज्यादा ना मैंने इसको यूज किया। दिस इज सुपर नाइस। इसका जो ये मटेरियल है ना इज अ रिप्ड मटेरियल और काफी अच्छी ना इसमें स्ट्रेचेबिलिटी है, काफी ज्यादा ना अच्छा सा लगता है पहनने के बाद में। बहुत ही ब्यूटीफुल ना इसका लुक आता है, काफी ज्यादा ना कंफर्टेबल भी है। इसका जो मटेरियल है ना ये 100% कॉटन में है एंड आई जस्ट लव दिस टॉप गाइस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा है। जो ये सारे ही टॉप्स है ना गाइस मैंने एक ही ट्राउजर के साथ में पेयर किए हैं, जस्ट बिकॉज कि जब मैं टॉप्स का हॉल कर रही होती हूँ ना आप लोग टॉप से ज्यादा ट्राउजर्स देख रहे होते हो, तो मैंने एक ही ट्राउजर के साथ करे हैं। तो ये वाला जो ट्राउजर है ना जो मैंने ट्रायल्स में पहना हुआ है, ये ट्राउजर मैंने उर्बैनिक से परचेज किया था, बट अभी उर्बैनिक पे ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये सिमिलर जो ट्राउजर है ना ये मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, तो मैं उसका भी लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल। तो जो अगला टॉप है ना गाइस इज दिस एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड टीम स्प्रिट और इसको भी परचेज किए हुए ना आई सपोज 2 साल के अप्रॉक्स हो गया है। एंड दिस इज सो नाइस। सो दिस इज अ ड्यूप ऑफ H&M का जो टॉप है ना उसका ये ड्यूप है एंड दिस इज सो नाइस। इसका भी जो मटेरियल है ना ये 100% कॉटन में है और काफी ज्यादा अच्छा सा ना इसका लुक आता है। ये मैंने परचेज किया था फ्रॉम आजियो और इसका जो प्राइस था ना वाज 120 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 120 रुपए मैंने ये परचेज किया था और जो साइज मैंने इसका परचेज किया था वाज साइज M एंड दिस इज अ सुपर 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 कंफर्टेबल टॉप, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मटेरियल, क्वालिटी, एवरीथिंग इज सो नाइस। लाइक इन सबको यूज करते करते ना मुझे इतना ज्यादा टाइम हो गया है और ये सारे ही जो टॉप्स है ना इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लाइक दे आर सुपर गुड इन क्वालिटी एंड आई जस्ट लव दिस वन। इसका जो ओवरऑल लुक है ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल। और ये वाला टॉप तो ना गाइस आपने मेरा लाखों करोड़ों बार देखा होगा, लेकिन मैं आज वापस दिखा देती हूँ बिकॉज ब्लैक टॉप्स का हॉल कर रही हूँ एंड दिस इज माय सुपर फेवरेट टॉप एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड H&M। और इस वाले टॉप की ना मैंने आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कितनी बार तारीफ की है, बट एक बार वापस कर देती हूँ। तो दिस इज अ सुपर 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 अमेजिंग टॉप। अगर आपके पास ये नहीं है गाइज जाओ जाके ले लो। वैसे तो इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शन अभी आ गए हैं, जब मैंने इसको परचेज किया था ना इसमें शायद 2 या 3 कलर ही अवेलेबल थे, अभी तो बहुत सारे कलर्स हैं। एंड दिस इज सुपर नाइस गाइज। इसका भी जो मटेरियल है ना इज सुपर सॉफ्ट, लाइक बटरी सॉफ्ट जो मटेरियल होता है ना वो वाला इसका मटेरियल है। फुल स्लीव्स में आ जाता है और इसका जो नेकलाइन है ना इज अ स्क्वायर नेकलाइन और स्क्वायर में भी ना कुछ इस तरह का ये नेकलाइन है जिसका जो लुक आता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा सा आता है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। फिटिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी सी आती है और अंदर की तरफ ना इसमें इस तरह से ना एक लेयरिंग भी दिया हुआ है जिसकी वजह से सी थ्रू वगैरह का ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ज्यादातर ऐसा होता है ना जो बटरी सॉफ्ट वाले जो कपड़े होते हैं ना उसमें जो ये बस्ट एरिया होता है वो बहुत ना ऑड सा दिख रहा होता है, जस्ट बिकॉज की लेयरिंग नहीं होती। बट इस वाले टॉप में ना लेयरिंग भी अवेलेबल है जिसकी वजह से काफी ज्यादा अच्छा सा इसका लुक आ जाता है एंड आई जस्ट लव दिस टॉप गाइस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा है। तो ये वाला टॉप ना आपको H&M पे और मिंत्रा पे दोनों पे ही मिल जाएगा, आपको जहां से ज्यादा कंफर्टेबल लगे ना वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। एंड दिस इज अ हाईली 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 रिकमेंडेड टॉप गाइस, बहुत ही अच्छा है। जो मैंने पिक्चर्स लगाए ना इसमें चीज आप देख सकते हैं, पहनने के बाद में ना काफी ज्यादा अच्छा सा लगता है। एंड द नेक्स्ट टॉप इज दिस एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अपटाउनी और ये मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, तो मैं दोनों के ही लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, अपटाउनी के भी और मिंत्रा के भी। जहां से आपको ज्यादा अफोर्डेबल लगे वहां से परचेज कर लेना। सो दिस टॉप इज लाइक दिस। तो ये वाला जो टॉप है ना बेसिकली दिस इज अ ड्यूप ऑफ जारा का जो एक टॉप है ना उसका ये ड्यूप है एंड इसका भी जो मटेरियल है इज रियली नाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा सा इसका मटेरियल है, काफी ज्यादा ना ब्यूटीफुल सा मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा अच्छी सी इसमें स्ट्रेचेबिलिटी है। और इस वाले टॉप में ना नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरह से ना यहाँ पे ये रस्ट पैटर्न आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ना अच्छा सा लगता है। और ये वाला जो टॉप है ना गाइस, इसको बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। लाइक इसका जो नेक लाइन है ना, इसको आप इस तरह से जो काउल नेक लाइन होता है ना, उस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। देन एक वन शोल्डर टॉप की तरह से स्टाइल कर सकते हैं, एंड देन ऑफ शोल्डर जो टॉप्स होते हैं ना, उस तरह से भी इसको स्टाइल कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा एक वर्सेटाइल काइंड ऑफ जो टॉप होता है ना, वो वाला टॉप है। और इसमें भी ना लेयरिंग अवेलेबल है। लाइक ये पूरा ही टॉप ना, ये डबल लेयर में है, पूरा ही टॉप है ये डबल लेयर में। लाइक आगे पीछे सब जगह से ना ये डबल लेयर में है, जिसकी वजह से इसका जो लुक आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। और कोई सी थ्रू वगैरह का किसी भी तरह का ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एंड दिस टॉप इज अगेन हाईली 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 रिकमेंडेड टॉप। वैसे तो नहीं, वाला टॉप जब लॉन्च हुआ था ना, तो इतना ज्यादा वायरल हुआ था, और मैंने तभी ये परचेस किया था जब इतना ज्यादा वायरल हो रहा था। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल। और ये वाला भी जो टॉप है गाइस, ये मैंने परचेज किया है फ्रॉम आजियो, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बुडा जीन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें साइज मैंने एस परचेज किया है। एंड गाइस, बुडा जीन्स के जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा उनका मटेरियल होता है। तो ये वाला जो टॉप है ना, दिस इज अगेन इन वेरी गुड स्टफ, बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टफ में, क्वालिटी जो है ना स्टफ की काफी ज्यादा अच्छी सी है। एंड दिस इज एक लौदा टॉप मेरे पास, जो कि टैंक टॉप में है इन ब्लैक कलर। और इस वाले टॉप को मैं इतना ज्यादा यूज करती हूँ ना, एंड लुक एट द क्वालिटी। इतना ज्यादा यूज होने के बाद में, इतना ज्यादा वॉश होने के बाद में भी ना, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। दिस इज एज इट इज, एंड आई जस्ट लव द लुक, बिकॉज इसका जो लुक है ना, ये जो स्क्वायर नेकलाइन होता है ना, उसका वाला लुक है। और इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ इस तरह से स्क्वायर नेकलाइन आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा सा ना लुक क्रिएट कर देता है। बहुत ही अच्छी इसमें स्ट्रेचेबिलिटी है। अगेन इस वाले टॉप में भी ना, ये लेयरिंग का कपड़ा भी अवेलेबल है, तो अगेन कोई भी सी थ्रू वगैरह का ना प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दिस इज अगेन अ हाईली 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 रिकमेंडेड टॉप। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल। तो जो अगला टॉपिक इज दिस, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम H&M। और ये ना मेरा रिसेंट बाय है, जो मैंने रिसेंट H&M हॉल किया था ना, उसमें ये वाला टॉप आपको दिखाया था, बट अगेन दिखा देती हूँ। सो दिस इज द टॉप, एंड दिस इज अगेन सो नाइस। इसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रेचेबिलिटी है, मटेरियल इसका काफी ज्यादा अच्छा सा है। एंड इसका भी जो पैटर्न है ना, इज लाइक दिस। तो गैदरिंग वाला जो पैटर्न होता है ना, ये गैदरिंग वाले पैटर्न में आ जाता है। यहाँ पे इस तरह से गैदर्ड पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी जो लुक आता है ना, पहनने के बाद में काफी ज्यादा अच्छा सा आता है। इसका नेकलाइन इज अ राउंड नेकलाइन, मटेरियल क्वालिटी इज अगेन नाइस। काफी ज्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग रहती है ना मटेरियल, वो वाला इसका मटेरियल है। और मुझे काफी ज्यादा नहीं वाला टॉप पसंद आया। बहुत सारे तरीके से ना इस तरह के टॉप्स को हम स्टाइल कर सकते हैं, और हर तरह के सीजन में ना चल जाते हैं। लाइक विंटर्स में ना आप इसको लेयरिंग के लिए यूज कर लो, और समर्स में तो कट स्लीव्स से तो वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा सा लगता है। सो या Now coming up to the next top for this haul. तो जो अगला टॉपिक is this, and this is again my super 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 favorite. और आप लोगों ने ये वाला टॉप मेरा जरूर देखा होगा, बिकॉज मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। So this is from the brand Urbanic, और Urbanic पे ना अभी ये वाला जो टॉप है ना, ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट मैं इसका सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन ना आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लेना। सो दिस इज हाउ द टॉप इज लुकिंग। और इसका भी जो मटेरियल है, इज सुपर सॉफ्ट, बटरी सॉफ्ट जो मटेरियल होता है ना, वो वाला है। फुल स्लीव्स में है, एंड दिस इज अ क्रॉप टॉप, राउंड इसका नेकलाइन है, एंड दिस इज सुपर 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 नाइस। इतना ज्यादा पसंद है ना मुझे ये वाला टॉप, बहुत 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 ज्यादा पसंद है। और मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। लाइक विंटर्स में, समर्स में, साड़ीज के साथ में इसको एज अ ब्लाउज यूज कर लेती हूँ, स्कर्ट्स के साथ इसको यूज कर लेती हूँ। आई यूज इट अ लॉट। और इतना ज्यादा यूज होने के बाद में, इतना ज्यादा वॉश होने के बाद में, दिस टॉप इज एज इट इज। आई जस्ट लव द क्वालिटी ऑफ दिस, एंड दिस इज सुपर नाइस। लाइक इस तरह का एक टॉप होना तो बनता है गाइस। लाइक दिस इज सुपर सुपर नाइस। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल। दिस इज नॉट टॉप बेसिकली, दिस इज अ ओवरसाइज टी शर्ट। एंड ओवरसाइज टी शर्ट जो होती है ना गाइस, आर मस्ट 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 हैव इन योर वॉर्डरोब। लाइक ब्लैक कलर की ओवरसाइज टी शर्ट्स अगर आपके पास नहीं है ना गाइस, तो जाके ले लो, बिकॉज टिल द टाइम अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा काम आती हैं और बहुत ज्यादा ना वर्सेटाइल होती हैं। तो जो पहली टी शर्ट है ना गाइस, इज दिस। एंड इस टी शर्ट के लिए मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, मैंने कई बार तो अपने ऑफिस में पहनी, और जहां भी पहनी है ना, एवरीबडी लाइक इट सो मच। एंड फॉर योर सरप्राइज, ये वाली जो टी शर्ट है, इज फ्रॉम मीशो। एंड लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। लाइक अ प्रॉपर ओवर साइज जो टी शर्ट होती है ना, ये वो है। और साइज जो मैंने इसमें परचेज किया ना, इज XXL। मेरा जो साइज है ना, इज M, बट मैंने इसमें 2 या 3 साइज बड़ा परचेज किया है, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये प्रॉपर ओवर साइज चाहिए थी। एंड दिस इज अ प्रॉपर ओवर साइज टी शर्ट। क्वालिटी जो है इसकी इज रियली नाइस। मटीरियल जो है ना इसका, वो थोड़ा सा ना मोटा वाला जो मटीरियल होता है ना, वो है। तो गर्मी में ना ये थोड़ा थोड़ा सा आपको गर्म कर सकता है, बट फॉर अक्टूबर वाला जो सीजन होता है ना, सितंबर अक्टूबर वाला जो सीजन होता है, उसके बाद वाला जो पूरा टाइम होता है, उसमें दिस मटेरियल विच सूट्स यू अ लॉट और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है. लाइक आई जस्ट लव्ड इट. और उसको मैं ज्यादा ना क्रॉप करके ही पहनती हूँ. लाइक आई यूज्ड इट एज अ क्रॉप टी शर्ट एंड दिस लुक्स सो अमेजिंग. एंड नाउ कमिंग अप टू द लास्ट आइटम फॉर दिस हॉल. आइटम मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज अगेन अ ओवरसाइज टी शर्ट. ये वाली जो टी शर्ट है ना, ये मैंने लास्ट जो मेरा आजियो हॉल था ना, उसमें आपको दिखाई थी. एंड दिस इज सुपर नाइस एंड दिस इज अगेन इन ब्लैक कलर. एंड लुक एट इट गाइस, हाउ ब्यूटीफुल दिस टी शर्ट इज. और ये वाली जो टी शर्ट है ना, मैंने परचेज की है आजियो से, और उसके जो मेन सेक्शन है ना, वहां से मैंने परचेज की है. और इतनी बार मैंने इसको यूज कर लिया ना, लाइक आई यूज इट अ लॉट. एंड इसका भी जो मटेरियल है इज सुपर नाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल है. और इसका जो प्रिंट है ना, वो तो आप देख ही सकते हो. दिस प्रिंट इज सो नाइस एंड अ प्रॉपर जो ओवरसाइज टी शर्ट होती है, दिस इज अ प्रॉपर ओवरसाइज टी शर्ट. मेरे ऑफिस में ना एक इवेंट था, जब हम लोग कहीं बाहर गए थे, उस टाइम पे मैंने ये पहनी थी एंड दिस वाज लुकिंग सो अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही थी. एंड आई जस्ट लव द क्वालिटी. क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है और बहुत बार ना ये यूज हो गई, लाइक बहुत ही बार ना ये वॉश भी हो गई और उसकी क्वालिटी का ना कुछ भी नहीं बिगड़ा है. सो आई जस्ट लव्ड इट. एंड That's all for today's video. Yes guys, मैंने आपको 9 के 9 टॉप्स दिखा दिए हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सारी जो कलेक्शन है ना, आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा बिकॉज दिस कलेक्शन इज माई सुपर फेवरेट. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सारे ही टॉप्स ना guys are highly recommended and I'm sure कि आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे. तो प्लीज हिट द लाइक बटन फॉर द वीडियो. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then guys प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोज. और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट रिव्यूज के साथ में. टिल देन अपना ख्याल रखो. टेक केयर. Bye.